आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए टमाटर पनीर की रेसिपी, जिसके लिए हमें सामग्री चाहिए। 2 बड़े टमाटर, 2 हरी मिर्च, अदरक का टुकड़ा, 10 लहसुन की कलियाँ, 2 प्याज, 4 चम्मच मलाई, 1/2 पनीर, 1 बड़ा चम्मच तेल, 2 तेज़पत्ता, 1 चम्मच जीरा। चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। अब हम लेंगे एक पैन में 1 बड़ा चम्मच तेल। तेल गरम होने पे तेज पत्ता, लौंग, जीरा डालेंगे। फिर प्याज डालेंगे, प्याज को फ्राई करेंगे। फिर हरी मिर्च, टमाटर, अदरक, लहसुन की कलियां डाल अच्छे से फ्राई करेंगे। ये तब तक पकाएंगे जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए। ढक्कन लगाकर अच्छे से पका लेंगे। देखिए हमारे टमाटर प्याज अच्छे से पक गए हैं, सॉफ्ट हो गए। अब गैस बंद कर देंगे और 5 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे। अच्छे से ठंडा हो जाए फिर एक जार में डालकर ग्राइंड कर लेंगे। पेस्ट बना लिया है। अब मैं इस पेस्ट को छन्नी की सहायता से छान लूंगी। आप जब भी पनीर की सब्जी बनाएं ऐसा जरूर करें। इससे जो भी ग्रेवी तैयार होती है वो शानदार होती है। देखिए एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट छन गए हैं, बिल्कुल स्मूथ पेस्ट तैयार हो चुका है। अब हम एक पैन में 2 चम्मच घी डालेंगे। घी अच्छे से गर्म हो जाए फिर डालेंगे जीरा। जीरा डालने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे टमाटर प्याज का पेस्ट। पेस्ट को अच्छे से मिक्स करें। पेस्ट को अच्छे से कुछ मिनट तक पका लेंगे। देखिए अच्छे से उबाल आ गया है। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अब हम डालेंगे मलाई। मलाई डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर ग्रेवी पे ढक्कन लगाकर 5 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे। देखिए हमारी ग्रेवी पककर तैयार हो चुकी है। अब हम ऐड करेंगे 2 चम्मच गरम मसाला। तो हमारी ग्रेवी बिल्कुल तैयार हो गई है। अब हम ऐड करेंगे पनीर और सभी पनीर को एक साथ मिक्स कर लेंगे। तो देखिए हमारी पनीर की सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम गार्निश के लिए हरा धनिया डालेंगे। अब मैं इसे एक बाउल में निकाल रही हूँ। देखिए हमारी टेस्टी रेस्टोरेंट जैसी पनीर की सब्जी तैयार हो गई है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना और बताना आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।